जय माँ काली। होली में कुछ राशियों के लिए विशेष योग बन रहा है, तो कौन कौन सी है राशि आइए जानते हैं। और गज के श्री योग अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा विशेष योग माना जाता है, ज्योतिष में इसका विशेष स्थान है। तो सबसे पहली राशि है जिस पे गज के श्री योग बन रहा है वो है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, गजकेसरी योग बन रहा है तो अच्छा प्रभाव देगा। होली के बाद अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। गजकेसरी राजयोग आपकी राशि के लग्न भाव में बनने जा रहा है, तो इस दौरान आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। प्रेम के लिए अवधि बहुत अच्छी है, अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में खुशी देखने मिलेगी, मैरिड लाइफ में खुशी देखने मिलेगी और कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपको, किसी नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय है। दूसरी राशि है धनु। धनु वालों के लिए गजकेसरी राजयोग बहुत ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि देखिए धनु राशि वालों की अभी भी साढ़े साती भी खत्म हुई है, तो शनिदेव तो बहुत अच्छा प्रभाव दे ही रहे हैं, साथ ही गजकेसरी योग भी बहुत अच्छा प्रभाव देगा इनको। तो ये योग आपकी राशि के पंचम भाव में बनने जा रहा है, जो कि संतान, प्रेम विवाह और उन्नति का स्थान माना जाता है। इस दौरान व्यापारियों को भी सफलता मिलेगी, व्यापार में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, धन धान्य में वृद्धि हो सकती है, सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है, प्रेम संबंध भी मधुर बने रहेंगे और प्रेम विवाह होने की पूरी पूरी संभावना है। नए वैवाहिक जीवन की आप शुरुआत कर सकते हैं, ये गजकेसरी योग बहुत अच्छे अवसर लेकर आ रहा है और धन धान्य से भी इससे भी संपन्न होंगे, ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। फिर नेक्स्ट राशि है मिथुन राशि, जिसको गजकेसरी योग का बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो गजकेसरी राजयोग आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा मिथुन राशि वालों पर। यह योग आपकी गोचर कुंडली के आय भाव में बन रहा है, इसलिए इस अवधि में आमदनी बहुत अच्छी होगी, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ होंगी और साथ ही व्यापारिक कोई डील फाइनल हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका विशेष है, किसी मजबूरी में आप उससे दूर थे, वह व्यक्ति आप उसके जीवन में वापस जाएंगे और वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा। तो बहुत अच्छा संयोग दे रहा है गजकेसरी योग मिथुन राशि वालों को भी। जय माँ काली।